वेलकम दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिटेल शेयर करने वाला हूँ रिक्रूटमेंट प्रोसेस से, जो कि IBPS से आ रही है। IBPS का मतलब होता है इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन, एंड मैंने कुछ दिनों पहले ही पोस्ट करके आपको बताया था कि इसकी फुल नोटिफिकेशन आ चुकी है, जिसे मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। ओके, तो इस नोटिफिकेशन की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें कोई भी स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है, मतलब आपके पास मिनिमम एक ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। और इसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसके प्री और मेंस एग्जामिनेशन में, उसकी सब्जेक्ट कॉमन होती है सभी स्ट्रीम्स के लिए, यानी कि इसमें एप्टीट्यूड, इंग्लिश और रीजनिंग जैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एंड जीके, जो कि ऑलमोस्ट सभी बच्चों को पढ़ाया जाता है ड्यूरिंग देयर ग्रेजुएशन। एक सब्जेक्ट रहता है ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल में, तो वहाँ से भी आप इसके बहुत सारे सब्जेक्ट्स को, बहुत सारे टॉपिक्स को कवर कर चुके होंगे। इसीलिए ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस बहुत ही खास है, क्योंकि अगर आपने किसी भी तरीके का कोर्स किया है तो डेफिनेटली आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट डिटेल्स यहाँ पर शेयर की गई है, और देखेंगे कितनी वैकेंसीज है और कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये IBPS की ऑफिशियल लोगो है, जैसा कि आप देख सकते हैं, और इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन की तरफ से नोटिफिकेशन है। यहाँ पर जो रिक्रूटमेंट होगी वो होगी प्रोबेशनरी ऑफिसर्स के लिए, जिसे मैनेजमेंट ट्रेनिस भी आप कह सकते हैं। ये वैकेंसीज फिल होंगी 2025 और 26 के लिए, और इसकी वेबसाइट जो है ऑफिशियल, ये यहाँ पर लिंक दी गई है, जो कि है www.ibps.in। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं फर्स्ट पेज में जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स उन्होंने दिया है, वो है रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट डेट्स। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 1 अगस्त 2024 से शुरू हो गई है, और 21 अगस्त 2024 तक ये ओपन रहेगी इनकी पोर्टल, तो इस बीच आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो प्री वाला होगा वो आपका अक्टूबर में हो सकता है, एंड ऑनलाइन जो मेन एग्जामिनेशन होगा वो नवंबर के एंड में देखा जाने वाला है। अगर आप इसमें अप्लाई करते हैं तो आपको ईमेल के द्वारा एग्जैक्ट डेट, लोकेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा आपको, और इंटरव्यू जो कंडक्ट होने वाला है वो जनवरी फरवरी में होगा। और अगर आप इन तीन प्रोसेस को कंप्लीट कर लेते हैं और आप सिलेक्ट होते हो, तो आपका अलॉटमेंट जो है वो अप्रैल 2025 के बीच में हो जाएगा। मतलब काफ़ी फास्ट रिक्रूटमेंट प्रोसेस है कंपेयर टू एनी अदर एग्जामिनेशंस। ठीक है, नाउ इसके बाद इस वीडियो में हम आपके साथ डिटेल्स शेयर करूंगा, जैसे कि पार्टिसिपेटिंग बैंक्स क्या क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेंगी, एज क्या रहेगी, एंड सो मेनी अदर डिटेल्स। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं पार्टिसिपेटिंग बैंक्स क्या क्या है देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पार्टिसिपेटिंग बैंक में बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, यूको बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, जैसे 11 बैंक्स ऐसे हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यहाँ पर आपको 4000 या 5000 के अराउंड वैकेंसीज देखने को मिलेगी, जो कि काफ़ी बड़ी वैकेंसी है जहाँ आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। पहले मैं इंडेक्स में जाता हूँ, अब देखते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा है उन्होंने। तो जैसे ही आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में जाएंगे, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले एज देखने को मिलेगा, जो कि उन्होंने बताया है 20 to 30 ईयर्स फॉर जनरल कैटेगरी स्टूडेंट, एंड आपको एज में रिलैक्सेशन मिलेगा अगर आप किसी भी रिजर्व्ड कैटेगरी वाले स्टूडेंट हो, लाइक SC/ST के लिए 5 साल, एंड अगर बैकवर्ड क्लासेस के स्टूडेंट्स के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन है। पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए 10, एंड एक्स सर्विसमैन जैसे कैंडिडेट्स के लिए 5, तो ये आपको यहाँ देखने को मिलेगा। नाउ अगर मैं स्क्रोल डाउन करूँ तो एडुकेशन क्वालिफिकेशन से रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन है, जो कि मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ लिखा है ए डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम यूनिवर्सिटी, मतलब कोई भी स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है इसमें, और उनके पास एक वैलिड मार्कशीट या डिग्री सर्टिफिकेट होना चाहिए। बस इतनी ही रिक्वायरमेंट है इस एग्जामिनेशन में, और परसेंटेज का भी कोई क्राइटेरिया ऐसा रखा नहीं गया है, तो ये एक अच्छी बात है आपके लिए। ठीक है, एज बता दिया मैंने, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दिया, पार्टिसिपेटिंग बैंक्स बता दिया, अब बात करते हैं एडुकेशन क्वालिफिकेशन। ओके, ये भी मैंने बता ही दिया है। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फीस एंड चार्जेस की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 175 रुपीज़ लगेगी अगर आप SC/ST एंड PWBD कैंडिडेट्स हैं तो, एंड 850 लगेगी फॉर ऑल अदर स्टूडेंट्स के लिए, ये GST को इंक्लूड करके बताया जा रहा है। ठीक है, अब इसके बाद करते हैं बात स्ट्रक्चर ऑफ एग्जामिनेशन की। तो आपको पहले ही बताया गया कि प्री एग्जामिनेशन होगा, तो प्री एग्जामिनेशन में क्या क्या रहने वाले हैं। पहला रहेगा इंग्लिश लैंग्वेज, एप्टीट्यूड टेस्ट, रीजनिंग एबिलिटी, 100 क्वेश्चंस रहेंगे, 100 मार्क्स रहेंगे, और ये 60 मिनट्स का होगा, मतलब आपको बहुत ही स्पीड में सॉल्व करने हैं इस सारे क्वेश्चंस को। नाउ आता है सेकंड एग्जामिनेशन, विच इज़ मेन एग्जामिनेशन। यहाँ पर आपको रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड देखने को मिलेगा, जनरल अवेयरनेस या बैंकिंग अवेयरनेस देखने को मिलेगा, इंग्लिश लैंग्वेज एंड DI मिलेगा आपको देखने के लिए। साथ ही आपको इंग्लिश लैंग्वेज में राइटिंग एंड ऐसे पूछा जाएगा। टोटल आपका
155 एंड टू क्वेश्चंस, यहाँ 157 क्वेश्चंस रहेंगे, मैक्सिमम मार्क्स 225 रहेगा, मोड रहेगा इंग्लिश का एंड हिंदी भी मिक्स रहेगा, लेकिन आपको इंग्लिश के लेटर और इसे इंग्लिश में ही लिखना है। टोटल टाइम आपको इंग्लिश को लेके 3 आवर्स एंड 30 मिनट्स देखने को मिलेंगे। तो ये है कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ दिस एग्जामिनेशन। नाउ अगेन वी विल गो टू इंडेक्स एंड विल सी, वी हैव सीन जस्ट स्ट्रक्चर ऑफ एग्जामिनेशन, नाउ वी विल लुक ऑन हाउ टू अप्लाई फॉर दिस। तो यहाँ पर पूरा प्रोसेस दिया गया है कैसे आपको अप्लाई करना है, आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, मोड ऑफ एप्लीकेशन भी ऑनलाइन ही रहने वाला है, फीस मैंने पहले ही बताया आपको, और प्रोसीजर फॉर अप्लाइंग ऑनलाइन यहाँ पर डिस्कस किया गया है। आप उनकी ऑफिशियल वेबसाइट में जा सकते हैं जिसका लिंक यहाँ पर दिया गया है, वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। बात करें मेजर सिटीज की, मतलब जहाँ पर आपका एग्जामिनेशन सेंटर होगा, उसकी भी पूरी डिटेल लिस्ट दी गई है, वो एक्सेस कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं 51 पेज का PDF है, जिसमें से मैंने जितनी इम्पोर्टेंट डिटेल्स थी वो आपके साथ मैंने शेयर कर दी है। ठीक है, तो आई होप सभी डिटेल्स आपको क्लियर होंगे, एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड फॉर दिस एग्जामिनेशन यू कैन डेफिनेटली अप्लाई, एंड हुएवर नीड्स टू गेट इन्फॉर्मड रिगार्डिंग दिस प्लीज डू शेयर विद देम, एंड फॉर मोर सच लेटेस्ट अपडेट यू कैन सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।